नमस्कार दोस्तों, आपके पास एक बार दोबारा मैं आ गया हूँ रेलवे से जुड़ी एक सीरीज लेके। बार बार रेलवे से बनने वाले क्वेश्चंस जो एग्जाम में ट्रेंड करते हैं उसी की इम्पोर्टेंट सीरीज है। भारत का सबसे बड़ा स्टार्ट करते हैं, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो वो है भारतीय रेल। ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, जो अब उनकी संख्या 11 हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनमें सबसे बड़ा उपक्रम आज भी भारतीय रेलवे ही है। तो बार बार रेलवे से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चंस होंगे इस पूरी सीरीज में और सभी क्वेश्चंस बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है? तो ये पुराना डाटा है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ये अब 18 क्षेत्रों में बांटी जा चुकी है, एक दक्षिण भारत में बढ़ा दिया गया है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत की पहली रेल चली कहाँ थी? तो मुंबई और ठाणे के मध्य। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई, जो ये अलग अलग जोन है उन्हीं के मुख्यालय हैं। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभी हम चौथे स्थान पे हैं, जहां सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है, पहले पे चाइना आ जाएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। विश्व में प्रथम रेल कब चली? भारत में तो मुंबई से ठाणे चली 1853 ईस्वी में, लेकिन विश्व स्तर पर यही रेल 1825 ईस्वी में ही इंग्लैंड में चला दी गई थी। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग कर दिया गया? 1824 में। और फिर कब मिला दिया गया? तो 2019 में, 2019-18 के टाइम में, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में इस फिर रेल बजट और आम बजट को एक साथ ही मिला भी दिया गया। भारत में भूमिगत रेलवे मेट्रो का शुभारंभ कहाँ किया गया? 1984-85 ईस्वी में कोलकाता में भूमिगत रेलवे मेट्रो चलाई गई। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। ये जम्मू कश्मीर से वहां दक्षिण भारत तक जाती, कन्याकुमारी तक जाती है विवेक एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ किया गया? 1971 ईस्वी में पहला इलेक्ट्रिक इंजन बनाया गया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? ये पेरम्बूर चेन्नई में है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? हुसैनपुर कपूरथला, ये हुसैनपुर कपूरथला में रेलवे के कोच बनाए जाते हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 में हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समझौता व थार एक्सप्रेस ऐसी गाड़ियां हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। नेपाल के लिए भी पटरियां बिछाई जा रही हैं। भारत और नेपाल से भी रेलवे कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली कौन सी ट्रेन है? तो वो है शताब्दी एक्सप्रेस, बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? खड़गपुर, लेकिन यह अब बदल गया है, ये पहले था, अब इस समय गोरखपुर हो गया है। 1350 मीटर लंबाई के साथ सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का हो गया है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, तो वो मेघालय ऐसा राज्य है जहां रेलवे नहीं चलती है। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो वो महाराष्ट्र में हो रहा है। कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होकर गुजरता है। भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना प्रतिशत विद्युतीकरण है? 30% अभी तक इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं।
भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं, एक चौड़ी वाली पटरी वाली, एक इलेक्ट्रिक वाली होती है, और एक नॉर्मली 1 मीटर गेज वाली होती है, 1 मीटर गेज वाली। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? हाँ, ये यही है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1.676 मीटर की होती है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? डेक्कन क्वीन थी। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन फेरी क्वीन, इसको अब रख दिया गया है, यह कुछ दिन पहले ही इसको जो है कि बंद किया गया था, फेरी क्वीन को। कल कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना परसेंट भाग रेलवे में कार्यरत है? 40% सेंट्रल कर्मचारी जो हैं वो रेलवे में काम करते हैं। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम से सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? तो भारतीय रेलवे का उपयोग किया जाता है माल की ढुलाई के लिए। व्हील एंड एक्सल प्लांट, जो पहिए होते हैं और एक्सल्स होते हैं, वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो बेंगलुरु के फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली थी? दिल्ली से बेंगलुरु में। कौन सी ट्रेन क्रांति ट्रेन चली थी? वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो चेन्नई और बेंगलुरु के मध्य चलती है वृंदावन एक्सप्रेस। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम पूर्वी मध्य रेलवे कर दिया गया। जो पूर्वोत्तर रेलवे है, पूर्वी रेलवे है, पूर्वोत्तर का मुख्यालय गोरखपुर है, पूर्वी रेलवे का पूर्व मध्य रेलवे जो हाजीपुर है, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बना दिया गया, पूर्वोत्तर काल, और फिर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, लखनऊ, ये सब हेड ऑफिस बनाए गए। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी में। भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के बीच कितनी दूरी तय की? ये भी बार बार पूछा जाता है, 34 किलोमीटर की दूरी चली थी। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? 2004 ईस्वी में। विलेज ऑन व्हील्स याद रखेंगे इसको। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टालीगंज की लंबाई 16.45 किलोमीटर, जो जमीन के अंदर अंदर ट्रेन चलेगी, वो पहली बार बनाया गया। देश के सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? वो टोटल दूरी है 4,256 किलोमीटर, जो भारत के उत्तरी और दक्षिणी भाग को मिलाने का काम करती है, 4,256 किलोमीटर के साथ। तो ये रेलवे से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसको आपके साथ मैंने शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार बताइएगा जरूर।